आप लोग जिंदगी में हमेशा तीन बातें याद रखना, तीन बातें। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल पीपल। तो अभी हम आराम, अभी सुबह के 8 बजे अभी हम उठे। अभी सुबह सुबह पहला काम ये करेंगे, मैं पानी का गिलास और उसमें लेमन मिला के पीता हूँ कि भाई सेहत के लिए अच्छा है। पहले काम ये करेंगे। उसके बाद 8:30 में मेरी ऑनलाइन क्लास है जो आजकल चल रही है लॉकडाउन की वजह से, ऑनलाइन क्लास अटेंड करेंगे। उसके बाद जो होगा देखेंगे। फ़िलहाल तो पानी का ग्लास और लेमन पियेंगे। लेट्स सी, सुबह सुबह काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब सुबह जल्दी उठना, मगर नींद भी आजकल नहीं होती ना, क्या करें, इस ऑनलाइन क्लास की वजह से उठना पड़ता है। खवातीन आज रात तो अपडेट ये, अभी टाइम है अराउंड 10:30। ऑनलाइन क्लास हम लोगों ने अटेंड कर ली, तो अब हम करें एक्सरसाइज। चलो आज एक्सरसाइज करते हैं, कुछ सेहत बनाते हैं, कुछ डोले शोले बनाते हैं। भाई एक्सरसाइज भी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो करनी चाहिए डेली, जो इंसान को थोड़ा दिन स्टार्ट होने में थोड़ा बूस्टअप कर देती है। तो आ जाए एक्सरसाइज करते हैं। जैसे ही हम लोग तैयार हो चुके हैं तो अभी हम चाय नाश्ता करेंगे। आज आपको नाश्ता दिखा दें कि चाय नाश्ता हम सुबह टाइट वाला करते हैं। आई नो रमजान चल रहा है, मगर हम लोग तो घर में हम लोग को खाना पड़ता है ना, भूख लगती है। तो ब्रेकफास्ट कर लिया, अभी चलते हैं अंदर कुछ बात करते हैं। नेचर के कुछ ज़्यादा ही मज़े ले लिए, ब्रेकफास्ट को काफ़ी टाइम लगा लिया, बहुत स्लो करते हैं क्योंकि भाई मज़ा लेना होता है सुबह सुबह का। तो चलते अंदर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। उम्मीद है कि ठीक ठाक फिट होंगे। मेरा लोग देखने से पहले मैं कहता हूँ, सोच लो। तो आज का दिन हमारा सुबह भी स्टार्ट हुआ, अभी अराउंड 12 हुए। फ्रेश होके क्लास वगैरह अटेंड करके, एक्सरसाइज वगैरह करके, प्रेयर वगैरह करके अब हम अपने काम पे आ चुके हैं। तो अपने काम क्यों ना आपसे अंदर चल के बात कर लें। आजकल की रूटीन इस तरह लगी हुई, सुबह सुबह क्लास होती है तो उठना भी पड़ता है, क्या करें भाई, अच्छा है ना, वरना ज़िंदगी में नींद तो करते रहेंगे। यही वो वक्त है, इस वक्त में कुछ नया सीख सकते हैं, कोई नई स्किल सीख सकते हैं। अब कुछ लोग हैं वो 4-5 बजे सोते हैं, शाम को 5-6 बजे उठते हैं। चलो वो हर किसी की अपनी मर्जी, चलो मगर आप एक दिन कर लो, 2 दिन कर लो, मगर यहाँ तो काम डेली का लगा है। डेली के तो मेहमान भी अच्छे नहीं लगते, तो ये रूटीन कहाँ से छिले गई। चलो मैं भी खुद वीकेंड को मतलब लेट ही सोता हूँ, 4-5 बजे चिलिंग करते नेटफ्लिक्स, मगर जिस दिन क्लास होती तो उठना पड़ता है ना 8:30 बजे, उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह, दिन हमारा स्टार्ट हो जाता है। मैं सुबह मतलब ब्रेकफास्ट के बाद हमारा वाटर मेलन आजकल कंपलसरी हो गया है, क्योंकि भाई घर में जो हमारे जो नए मेहमान आए हैं उनके घर का कॉन्सेप्ट है कि वो सुबह ब्रेकफास्ट के साथ वाटर मेलन खाएंगे, मगर मैं ब्रेकफास्ट के बाद। उनकी रूटीन पर थोड़ा आ जाएंगे, मगर अभी भी पहले जितना नहीं खाते थे अब जितना खा रहे हैं। सेहत के लिए अच्छा है, आप लोग भी खाया करें। ज़िंदगी में कुछ आजकल जो वक्त है उस वक्त को यूटिलाइज़ करें, कोई नई चीज़ें सीखें जो स्किल्स आपको आगे ज़िंदगी में काम आए। जैसे कि काफ़ी वेबसाइट्स फ्री कोर्सेस ऑफर कर रही हैं, आप उसको ऑल कर सकते हैं, और सर्टिफिकेट भी मिल रहे हैं उन वेबसाइट के थ्रू। ये सर्टिफिकेट मतलब जो आगे अगर आप ज़िंदगी में यूनिवर्सिटी या कहीं MBA वगैरह करते हैं तो कहीं जॉब अगर करते हैं, ये सर्टिफिकेट बहुत काउंट होते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेट दे रहे हैं वेबसाइट। मैंने भी तकरीबन 3 से 4 सर्टिफिकेट अवेल कर लिए हैं, और भी कुछ ऑनलाइन कोर्सेज सीख रहा हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल हो गई, गूगल भी अपने फ्री कोर्सेज करवा रहे हैं, उसका वेबसाइट का नाम है गूगल डिजिटल गैरेज। हाँ, वो भी अपने बिजनेस और ये मोनेटाइजेशन वगैरह के काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज करवा रहे हैं, उसके उनके फ्री सर्टिफिकेट मिलते हैं, आप उन कोर्सेज को सर्टिफिकेट कर सकते हैं। मगर मैं यही कहूँगा, आप ये क्वारंटाइन 100-100 के नाल को गुजारें, मगर कोई बात नहीं, हर किसी की अपनी मर्जी है। मगर हम फिलहाल अभी वाटर मेलन खाएंगे, उसके बाद अपना काम करेंगे। जो काम हमें है यूट्यूब से कुछ सीखना है, कुछ किस चीज़ की क्लासेस हैं ऑनलाइन, तो वो भी अवेल करेंगे। सेट।
देवियों और सजनों, अभी की अभी अपडेट ये है कि हम काम करके सुबह से भेड़ बैठ पक चुके हैं, तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा खाना वाना खाने। अभी लंच बार लग चुका है, तो सुबह से ब्रेकफास्ट किया है, अभी अराउंड बजे 3:30, तो अभी लंच करेंगे, भूख लगी है तो लंच करके आके बैठते हैं। मिलते हैं आप लोगों से। तो खातिर हजरात, अभी वक्त हो रहे हैं 5:30 और अब शूज, ग्लव्स और मास्क देख रहे हैं। हम अभी जा रहे हैं साइकिलिंग से। सोशल डिस्टेंसिंग में कोई साथ में नहीं होगा, क्योंकि भाई ज़िंदगी में स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है। अब घर बैठे बैठे काम कर करके थोड़ा इंसान सुस्त हो जाता है, तो 1-1.5 घंटे के लिए हम वो साइकिलिंग करके यूं आए यूं आए। बिल्डिंग की बिल्लियां बॉयज़ एंड गर्ल्स, जैसा कि हम लोग नॉन स्टॉप से सीवी पे पहुंच चुके हैं। हमें राइड डायरेक्ट सीवी पे ख़त्म हुई है। ख़त्म नहीं मतलब ने स्टॉप किया है, अभी लेट से आगे जाते हैं। अभी इफ्तारी का वक्त होने वाला है, सड़कों पे इतनी रश भी नहीं है। आइए, सभी 6:30 हो चुके हैं, इफ्तारी में 1 घंटा है, मगर सड़कें तो अभी तक भी खाली है। तो की सूरत हाल ये, लोग गायब लगे पड़े हैं, मगर हमारी आर्मी को, ट्रैफिक पुलिस को, पुलिस वालों को, सबको सैल्यूट है कि वो लोग अभी भी अपनी ड्यूटी पे खड़े हुए हैं कि लोग ज़्यादा बाहर ना निकलें। और तीनों हजरात, जो उसका पीछे वाला मडगार्ड था ना, वो लगा हुआ था, चलते चलते आई डोंट नो कोई नट वगैरह निकल गया, तो यू स्लिप हो गया और मैंने यहाँ पर रख दिया। मतलब कि मरते मरते बचे हैं, कि ये आ गए थे डायरेक्ट टायर के नीचे, तो टायर हो गया यूँ। किस्मत ने साथ दे दिया कि कंट्रोल कर दी थी, वरना तो भाई गए गुजरे थे। ये भी आगे रख दिया, डिस्टर्ब कर रहा है, मगर घर पे पहुंच के कर देंगे जुगाड़ इसका। जैसे आज की राइड हमारी पूरी हो चुकी है, काफ़ी थक गए हैं, ऊपर चल के बात करते हैं फ्रेश होके। भाई लोग, अगर नींद के मज़े कोई ले रहे हैं ना, तो वो ये बिल्लियाँ ले रही हैं, दिन रात सोई हुई होती हैं, दिन रात। रोज़े के लिए आज़ान हो रही है, रोज़ा खुल गया है, हम भी जाएंगे ऊपर, कुछ ना कुछ फोड़ेंगे, भूख लगी है। वैसे भी लंच किया था अभी, वैसे ही साइकिलिंग की है, जाके तो फोड़ दें, फ्रेश होकर तो फोड़ दें। जी, आ चुके हैं वापस हम लोग साइकिलिंग वॉकिंग करके, खाना वाना फोड़ गए, हर चीज़ फोड़ गए, काफ़ी लंबे अरसे के बाद अभी हो रहे हैं 12:30। हमने कहा था आपसे आके मिलके बात करते हैं, मगर यही सोच के बात करनी क्या है, समझ ही नहीं आई। तो हमने सोचा क्यों ना इस व्लॉग को एंड कर दिया जाए। आखिर में आप लोगों को मैंने बोली थी कि 3 बातें जो ज़िंदगी में आप लोग याद रखना। आपको क्या पता नहीं क्या ये चीज़ें याद रखनी होती है? चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, कमेंट करनी होती है, लाइक करनी होती है, शेयर करना होता है, और घंटी बजानी होती है। ये तो आपको हमेशा बोलना पड़ता है, मगर ये ज़िंदगी में बातें याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि आप जितने लोगों की वीडियोस देखते हैं, यही आप लोगों को सब्सक्राइब करके, शेयर करके दोस्तों के साथ उनको मोटिवेट करें, क्योंकि और वीडियोस वो बनाते रहें और आप इंटरटेन होते रहें। फिर मिलते हैं दूसरी किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुद खुश रहें और दूसरों को खुश हैं। टाटा। बोलो और घंटी बजा दो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। जैसे कि खौती नौजरात, आप लोग का अपडेट है कि हर चीज़ का आप लोगों को पता है, किस चीज़ का आप लोगों को पता नहीं होता।